मुकुट पूजन के साथ ही उत्तर भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ हो चुका है। मनकामेश्वर लाला छन्नूमल बरादरी में रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रभु श्री राम, माँ जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी के मुकुट का पूजन किया, गणेश जी की आराधना की, सुंदर कांड किया और इसी प्रक्रिया के साथ एक महीने तक चलने वाली उत्तर भारत की सबसे प्राचीन रामलीला का श्री गणेश हो चुका है। 28 सितंबर से 28 अक्टूबर तक यह रामलीला चलेगी। मुकुट पूजन के साथ ही रामलीला में अभिनय करने वाले प्रभु श्री राम, माँ जानकी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूपों का भी पूजन किया गया। रामलीला कमेटी के महंत पंडित वेद प्रकाश पृथ्वी ने कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल एवं महामंत्री राजीव अग्रवाल से मुकुट पूजन करवाया। अनंत चतुर्दशी है, भगवान श्री गणेश की आराधना करते हुए मुकुट पूजन किया है और हमारे जो भी स्वरूप रामलीला का मंचन करेंगे उन सबका वर्णन भी किया है। रामायण का वाचन करने वाले, हनुमान जी का वाचन करने वाले सभी का वर्णन किया गया है। पूरी रामलीला कमेटी और हमारे आगरा के सांसद मंत्री आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब भी आज मौजूद हुए और निर्विघ्न श्री रामलीला का कार्यक्रम संपन्न हो, लोगों के लिए प्रेरणादायी बने रामलीला। आज बारह द्वारी में मनकामेश्वर नाथ के श्री चरणों में हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है और आगे के कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, प्रेरणादायी ढंग से हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, महामंत्री राजू जी, जिन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पुरखों ने बहुत साल पहले जो गौरवशाली परंपरा यहाँ स्थापित करी थी, रामलीला मुकुट पूजन से शुरुआत होते हैं, तो आज मुकुट पूजन बहुत निर्विघ्न तरीका से हुआ है। हम प्रभु के चरणों में जब प्रार्थना करते हैं कि पूरी रामलीला, राम बारात, जनकपुरी, राम विवाह, विदा, ये सब निर्विघ्न रूप से हो जाए। ऐसो करके ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, हमारी भारत की धार्मिक परंपराएं और सांस्कृतिक परंपराएं, जो देश में प्रमुख रामलीला में से एक आगरा की जो 100 साल से पुरानी है गई है, उसका आज विधिवत उद्घाटन भाव है। मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा और भगवान के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि पिछली राम बारात की बात बरसा ना कराएं। हम सब बराती भीग गए थे वहाँ में और काफ़ी परेशानी भई थी, तो निर्विघ्न रूप से सारे कार्यक्रम हो ऐसे विघ्नता गणेश जी के चरणन में प्रार्थना कर रहे हैं।